हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो यार आज का सीन कुछ ऐसा है, अभी चलते हैं सीधे अबनगर के लिए और आज चाहेंगे बाइक पे अपनी और उसके बाद देखते हैं, वहीं रुकेंगे आज तो। गोवन भाई बन रहा है अब तक, तो वहीं रुकेंगे अबनगर। उसके बाद कुछ प्रोग्राम पता नहीं है क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, तो लेट्स गो, अभी अकेडमी पहुँचते हैं। तो कैसे फाइनली अकेडमी वगैरह पहुंच चुके हैं अपनी और नीचे क्लासेस लग रही हैं भाई भाई, और अभी नीचे जा रहे हैं और मौसम एकदम खराब हो चुका है यहाँ पे और बारिश अभी पड़ के हटी है, यहाँ पे होके हटी है बारिश। इधर गाड़ी पे आप देख सकते हो कि कितनी मतलब धूल मिट्टी जमी पड़ी है। और अभी चलते हैं उधर नीचे अकेडमी में, क्लास वगैरह लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम बनता है, यहीं रुकना है अगर जाना है तो। लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो यार फाइनली अकेडमी से भी फ्री हो चुके हैं और अभी का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि अभी तो प्रोग्राम ये बन रहा है कि अपना घर चलें यमुनानगर और उसके बाद देखते हैं कि वहाँ जाके पता लगे क्या प्रोग्राम है क्या कुछ नहीं है। बाकी अभी तक तो यही है, घर चलते हैं यहाँ से यमुनानगर, क्योंकि फिर यार बार बार अप डाउन का भी चक्कर पड़ता है, तो चलते हैं यार सीधा घर पे, वहाँ जाके देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम बनता है क्या कुछ नहीं। तो लेट्स गो। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 और मैं उधो को लेके आया तो उसकी एक्सरसाइज करवाने के लिए यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी सेंटर है यहाँ पे। और आज का प्रोग्राम यार ये है कि मतलब एक हफ्ते के लिए मैं यहीं हूँ यमुनानगर पे, फिर देखते हैं कि बीच में एक गांव में कब जाने को मिलेगा। तो आई होप यार सैटरडे संडे को मिल ही जाएगा, सैटरडे संडे को ही जाता हूँ मैं अक्सर। तो अभी यार उधर एक्सरसाइज कर लेते हैं अंदर और फिर बात करते हैं, और फिर शाम को यार वर्कआउट के लिए ग्राउंड में भी जाना है। तो लेट्स गो। A few moments later. So guys, अभी टाइम हो रहा है 5:30 उधर को घर लेके आ गए थे अकेडमी से और अब चलते हैं सीधा ग्राउंड में तेजली स्टेडियम और वहाँ जाए तो भी अपना वर्कआउट वगैरह रहता है हल्का उल्का वो करेंगे। तो let's go. A few inches later. So guys, फाइनली ग्राउंड वगैरह पहुँच चुके हैं और अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्कआउट वगैरह करके अपना रनिंग वगैरह करके और जो बेसिक एक्सरसाइज वगैरह है वो करके फिर देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर क्या रहेगा, या तो अंदर हॉल में जाके जो अपनी पेट वगैरह एक्सरसाइज है वो वगैरह खत्म करके तो चलेंगे फैक्ट्री से घर चलेंगे। तो लेट्स गो। और भाई घास वगैरह ना प्रॉपर कटिंग कर दी उन्होंने, देखो यहाँ पे पिछली वीडियो में अगर आपने देखो भाई बहुत बड़ा बड़ा घास होता था और मौसम भी भाई छिपने लग गया शुरू जब, और टाइम हो रहा है 6:30, मैं बीच में रुक गया था तो इसलिए लेट हो चुका हूँ यहाँ पे। तो अभी वर्कआउट स्टार्ट करते हो ना। तो गाइस अभी वर्कआउट वगैरह करके बस अपना फ्री हुआ था और सोचा था कि रनिंग करके फ्री हुआ था, वर्कआउट तो क्या ही अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, पेट वगैरह की एक्सरसाइज रह रही है, अभी रनिंग करके फ्री हुआ था। और आधा घंटे रनिंग के बाद ना भाई मैंने सोचा कि थोड़ी देर ना व्लॉग्स के लिए क्लिप ले लूँ एक छोटी सी, और फ़ोन अपना रख के कहीं पर होल्ड करके रनिंग कर ही रहा था और भाई थाइस की मसल पुल हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, ये जो राइट वाले थाई है इसकी मसल पुल हो चुकी है, दर्द बहुत हो रहा है, अब पता नहीं क्या हुआ है, शायद वही मसल पोली हुआ। और भाई जिससे मतलब मैं जिस भाई से यहाँ पे रनिंग वगैरह कोचिंग वगैरह लेता हूँ रनिंग की, जो मतलब साथ में रनिंग वगैरह करते चंद्र भाई, आज वो मतलब आए भी नहीं है यहाँ पे शाम के टाइम पे, कि मतलब उनसे पूछ लो कि भाई हुआ क्या है ये, तो हल्का फुल्का भी कर देंगे। ये तो मतलब बहुत ही माइनर सी चोट होगी, ये मतलब भाई बहुत ज़्यादा मतलब पेन बहुत कर रहा है, चाहे चोट माइनर हो चाहे बड़ी हो, मतलब पेन बहुत हो रहा है अब, और बल्कि बॉडी वार्म भी है जिसमें होना भी चाहिए वार्म बॉडी में, तो देखते कर जाएगा आइसिंग वगैरह करते यार अभी बस अपनी पेट वगैरह करके हल्की फुल्की, तो अपना चलते हैं सीधा घर पे। तो यार मेरे को ना मतलब रनिंग वगैरह करके बैठने के बाद कम से कम आधा घंटा हो चुका है अपनी पेट वगैरह की, और पेट की तो यार कमी एक्सरसाइज की थी यहाँ अभी, मतलब रिलैक्स वगैरह ज़्यादा किया था भाई, बहुत दर्द कर रही है टांगे बहुत ज़्यादा। देखते हैं अब घर जाते हैं, पहले तो फिजियो के पास आएंगे थोड़ा बहुत देखेंगे क्या कुछ है, या फिर सीधा पहले तो आइसिंग ही करेंगे इसी घर जाके, अगर कल तक आराम होता है ठीक है फिर यार फिजियोथेरेपी देखते हैं करवाएंगे इसकी, मतलब रिकवरी जल्दी चाहिए क्योंकि भाई वर्कआउट छोड़ना नहीं है। तो अभी थोड़ा बहुत रिलैक्स हो करके फिर निकलते हैं घर की तरफ सीधा। A few moments later. फाइनली स्टेडियम से घर आ चुके थे और घर आने के बाद थोड़ा बहुत रिलीफ मिला टांग में, तो अभी यार चलते हैं नहा लेते हैं, नहा धो के भाई पसीना पसीना हो बड़े हैं,
तो नहा दोगे फिर जो भी मतलब अपना रिलैक्स वगैरह करके देखते हैं या तो मार्केट में जाएंगे या फिर अपना घर बैठ के एडिटिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद तो कोई काम है नहीं है। तो लेट्स गो। सो गाइस नहा दोगे एकदम मस्त बड़े रिलैक्स हो चुके हैं और अभी मैं अपने यहाँ यमुनानगर वाले छत पे आया था घूमने के लिए। और भाई हल्की फुल्की ना मतलब आइसिंग वगैरह भी करी मैंने तो पहले से बेटर है, पेन मतलब रिलीफ मिल रहा है हल्का फुल्का। तो देखते हैं सुबह तक आराम होता है तो नहीं तो ठीक है, मतलब फिर तो फिजियो करवानी ही है। देखो यार रेस्ट नहीं करना क्योंकि भाई अपना स्टेडियम नहीं छोड़ना है। और भाई मैं ना एक बात करना चाहता था कि जो मतलब मैं ना जो मैंने कहा था कि मैं शॉर्ट्स में आपको दिखाऊंगा कि अपना क्या कुछ है, तो यार उसमें ना मतलब डबल एडिटिंग हो रही है। जो मैं मेन वीडियोज़ एडिटिंग करता हूँ इसकी व्लॉग्स की उससे ज़्यादा डीप एडिटिंग होती है, क्लिप्स एडिट करके फिर पीछे से वॉइस ओवर करना, उसके लिए कोई शांत जगह चाहिए बैठने बोलने के लिए, तो थोड़ी सी मतलब डिफिकल्टी हो रही है मेरे को। उसके भी यहाँ पे मैंने मतलब जो लंबी वीडियोज आए मेरी ब्लॉग वाली इसी में मैं एडिटिंग दे रहा हूँ हल्की फुल्की, उसकी मतलब इसी में ही ऐड ऑन कर रहा हूँ अपना जितना मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ। तो ये नहीं है कि मतलब वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, आप देख ही सकते हो वर्कआउट वगैरह तो मेरा प्रॉपर हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुबह भी मतलब चोट भी लगी हुई है तो सुबह भी जाएंगे वर्कआउट पे, मतलब यहाँ पे ब्रेक नहीं लेंगे, ब्रेक सिर्फ संडे का, वो भी हल्का फुल्का संडे को वर्कआउट चलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी 2 दिन और रहते हैं चैलेंज कंप्लीट होने में, तो सोच रहा हूँ कि उसके बाद वीडियोस के साथ साथ कुछ और भी करूँ। तो अभी तो यार थोड़ा स्टडी का प्रेशर है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं कॉलेज के, तो देखते हैं यार क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं, लेट्स ट्राई बेस्ट ही करेंगे जो भी करेंगे। तो बस आज की वीडियो में तो नहीं, जल्दी मिलेंगे वीडियो साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय।